सदगुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सदगुरु हमको दिख गए तो मिल गए, नहीं। जब तक अपना शिष्य गुरु के चरणों में झुकता नहीं, आप प्रणाम करते हुए दिखते हैं लेकिन प्रणाम नहीं, अहंकार ज्यों ज्यों झुकता जाएगा त्यों त्यों गुरुता हमारे भीतर आती है। ज्यों पूरा अहंकार मिटा त्यों गुरु की पूरी गुरुता शिष्य के भीतर आ जाती है। मन भी गिरगिट की तरह है, तरह तरह का रंग बदलता है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म है, तरह तरह के रंग बदलता है। इसलिए ईश्वर के बात कहते अति सूक्ष्म है। तो आनंद सबरी मीरा की तरह युवा अवस्था में भी भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल सकते। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करे दूरी हमारे मम बंग ने स्वीकारे करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे गुरुर् ब्रह्मा देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव हरि सबसे दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे दुर्लभ चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है, कहते हैं पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पर्श हो पर्श में पैसे ना हो तो पर्श बेकार है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन है, लेकिन मनुष्य जीवन में सद्गुरु नहीं है और सदगुरु का नाम नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, पशु के जैसा। और पशु भी फिर भी मनुष्य से ज़्यादा कीमती है। कहते हैं पशु मर करके 100 काम आए, 13 तन तो भस्म हो जाए। पशु जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। और हम इस शरीर को बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाएं, मक्खन खिलाएं, मिश्री खिलाएं, मालपुआ खिलाएं, हलवा खिलाएं, अरे गंगा जल पिलाएं, शरीर से बस एक बार पास हो जाए, पसार हो जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन मल में और गंगा जल भी मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सदगुरु हमको दिख गए तो मिल गए, नहीं। जब तक अपना शिष्य गुरु के चरणों में झुकता नहीं, हाँ प्रणाम करते हुए दिखते हैं लेकिन प्रणाम नहीं, अहंकार ज्यों ज्यों झुकता जाएगा त्यों त्यों गुरुता हमारे भीतर आती जाएगी। ज्यों पूरा अहंकार मिटा त्यों गुरु की पूरी गुरुता शिष्य के भीतर आ जाती है। गुरु कोई बनता नहीं, गुरु की गुरुता शिष्य के भीतर आने लगती है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान,
आंसूमल से हो गए साई आशा राम। तो जिन शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों में अपने पूरे पूरे अहंकार को विसर्जित कर दिया और जीव अहंकार, और पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन पर आधारित एक प्रवचन है कि अहंकार को खोजा और ईश्वर बोलो मिला, सुना होगा ना आपने, है ना एक ऐसा प्रवचन। क्योंकि कहते हैं अहंकार इतना सूक्ष्म है, वो नाना प्रकार के गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट देखा आपने, वो गिरगिट होता है उसको थोड़ा सा ऐसे करो तो कभी वो पीला हो जाएगा, ऐसे करो कभी वो लाल हो जाएगा, यूं करो कभी वो हाला। इसलिए बोलते हैं कि गिरगिट बार बार रंग बदलता है, मन भी गिरगिट की तरह है, तरह तरह का रंग बदलता है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म है, तरह तरह के रंग बदलता है। इसलिए ईश्वर के बात कहते अति सूक्ष्म है तो वो अहंकार। तो ये अहंकार ज्यों ज्यों गलता जाएगा त्यों त्यों ईश्वर प्रकट होता जाएगा। पूर्ण अहंकार गला, पूर्ण प्रकट हो गया। जीवात्मा चाहे तो बचपन से प्रहलाद और ध्रुव की तरह भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। जीवात्मा चाहे तो विवेकानंद, सबरी, मीरा की तरह युवावस्था में भी भगवान के भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। जीवात्मा चाहे तो जो भी अवस्था है, ये मत सोचो कि बचपन चला गया कोई बात नहीं, जवानी तो है, जवानी भी चली गई कोई बात नहीं, जो जिस अवस्था में है अभी, यहीं से ईमानदारी से भगवान के भजन में लग जाएं। अरे शास्त्र तो कहते हैं अंत काले चा, अंत समय भी अगर ये ज्ञात हो जाए, कहते ना लेके कंधों पे तुझ क्यों चले जाएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सबकी यही गत है। एक घर के बाहर से अर्थी जा रही थी, यही बोल रहे थे राम नाम सत्य है, घर में शादी का माहौल था, छोटा सा बच्चा द्वार पे खड़ा था, सुन के आया राम नाम सत्य, बच्चे को क्या पता मरना क्या होता है, जन्मना क्या होता है, वो तो निर्दोष अबोध बालक। वो गया घर के अंदर, अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बोला माँ माँ, उधर उसके चाचा को तो मेहंदी लग रही है, अरे बोलते माँ माँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोले चुप, कैसी अशुभ बात कर रहा है, घर में शादी है तू राम नाम सत्य, तो राम नाम तो सत्य है, शुभ ही शुभ, अशुभ कैसे हो गया। लेकिन लोग सोचते हैं कि जब मरेंगे ना तब बोला जाता है राम नाम सत्य, वास्तव में जिसने जीते जी ये जान लिया और जिसने जीते जी ये अनुभव कर लिया कि राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, उसका बेड़ा पार है, बाकी तो सब मरते ही है, मरते ही है।